संपीड़नात्मक या दबाव के बल की वजह से चट्टानों के अंदर जो लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, लहरनुमा मोड़ों को हम क्या कहते हैं, वलन या फोल्ड कहते हैं। अब वलन जो है, लहरनुमा मोड़ है, तो वलन के बच्चों दो पार्ट हो गए। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तीन, इन दोनों पार्ट को अपन क्या कहते हैं, वलन की लिंब्स या वलन की क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। इसी वलन में जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं, आपको नदी कहते हैं। तो वलन का अपलिफ्टेड पार्ट है वो क्या कहलाता है, अपनदी कहलाता है, जबकि वलन का जो नीचे धंसा हुआ भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनदी कहते हैं, सिंक्लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि हमारे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर वैली और काठमांडू वैली, दोनों वैली जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंक्लाइन वैली का या अभिनदी घाटियों का ही उदाहरण है। क्लियर। दूसरी बात वो है आपके वलन का झुकाव, वलन की जो दोनों भुजाएं, दोनों लिम्स वो एक दिशा में झुकी हुई है, उसको अपन क्या कहते हैं, झुकाव कहते हैं। किसका, वलन का, टिप ऑफ किसकी, फोल्ड की। अर्थात हमारी पृथ्वी की सतह से वलन की जो भुजा है, वलन का जो अक्ष है, जो कोण बना रहा है, इस कॉल्ड टिप, उसको अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों वलन के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स की। चूंकि वलन जो है वो किसका परिणाम है बच्चों, संपीड़नात्मक बल का या दबाव वाले बल का कार्य है, और जो दबाव का बल है किस रूप में कार्य करता है, क्षैतिज रूप में कार्य करता है, लंबवत रूप में यहाँ पर बहुत कम कार्य करता है या न के बराबर कार्य करता है। यहाँ पर बेसिकली वलन में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपके क्षैतिज बल कार्य कर रहा है, क्षैतिज रूप में कार्य कर रहा है, कौन सा बल, दबाव का बल, जिसको हम क्या कहते हैं, संपीड़नात्मक या कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये जो वलन के प्रकार है, वो वलन के प्रकार, वलन की जो दोनों भुजाएं हैं, उन भुजाओं का झुकाव कैसा है, उसके आधार पर बनाए गए हैं। और भुजाओं का झुकाव किससे कार्य कर रहा है, कि किसी पर्टिकुलर वलन की पर्टिकुलर भुजाओं पर कितना कंप्रेशन फोर्स लगा है, उसके आधार पर अपन वलन का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका सममित वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं जो है वो विपरीत दिशा में झुकी हुई हो, समान एंगल पर झुकी हुई हो, और वलन कैसा हो, खड़ा हो, उसको अपन क्या कहते हैं, सममित वलन कहते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरा एग्जांपल है असममित वलन। अब यहाँ पर बच्चों जो दबाव का बल है वो थोड़ा सा ज्यादा कार्य कर रहा है, वलन की जो एक भुजा है वो एक भुजा पे क्या है, धीरे धीरे क्या होती है, पास में आती जाती है, इसके इस आपके वलन की डिप के, इस बल को अपन क्या कहेंगे, इस बल से जो है जो वलन बन रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, असममित वलन कहते हैं। अर्थात एक भुजा तो समान कोण पर झुकी हुई है, लेकिन दूसरी भुजा का कोण अब क्या बढ़ गया है। क्लियर। ये आपका कौन सा है, असममित वलन। अब कंप्रेशन फोर्स ने और ज्यादा कार्य किया, तो वो वलन की जो भुजा जो धीरे धीरे पास में आ रही थी, वो वलन की भुजा और ज्यादा पास में आ गई और लगभग रेक्टेंगल पर, लगभग 90 डिग्री के कोण पर खड़ी हो गई, उसको अपन क्या कहते हैं, एक द्विगुणित वलन कहते हैं। यानी वलन की दूसरी भुजा तो उसी कोण पर झुकी हुई है, लेकिन वलन की जो जिस भुजा पर ज्यादा दबाव का बल कार्य कर रहा था वो अब लगभग खड़ी हो गई, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एक द्विगुणित वलन कहते हैं। क्लियर। इसके पश्चात आता है हमारा चौथा प्रकार, इसको अपन कहते हैं सममित वलन। अब हमारा जो वलन है वो जो अभी तक खड़ा था वो क्या हो गया, टिल्टेड हो गया, झुक गया, लेकिन इसके झुकाव होते ही वलन की दोनों भुजाएं क्या समान दिशा में आ गई। डायग्राम में देखिए आप, वलन का जो क्षैतिज अक्ष है, जो अक्ष है वो तो झुक गया, लेकिन इसकी दोनों जो भुजाएं वो क्या है, समान दिशा में हो गई, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, समनद वलन कहते हैं। यानी दोनों भुजाएं समान नदि पर झुकी हुई है। क्लियर। इसके पश्चात ये जो नेक्स्ट वलन का प्रकार, इसको हम कहते हैं रिकम्बेंट या शयान वलन। इसमें होता क्या है, वलन का जो अक्ष है जो अब तक किससे आपके सतह से कोण बना रहा था, वो अब कोण खत्म हो जाता है, वलन क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, बिल्कुल आपकी सरफेस पे आकर गिर जाता है। वलन की भुजाएं दोनों एक ही दिशा में है।